ओके, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉपलिंग। टॉपलिंग ये नेक्स्ट शीट है जो आपको हैंड रिटन दी है, एक बार ओपन करो इसे। टॉपलिंग, टॉपलिंग क्या होती है? बॉडी का एक एक्सिस के अबाउट पलटना टॉपलिंग है। जैसे ये एक लेक्चर स्टैंड है, मैंने इसको खींचना शुरू किया, ये क्या हो गई? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग स्लाइडिंग इसलिए क्योंकि नीचे फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहां फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती, अब अगर मैं इसे खींचता तो इसकी क्या हो जाती? ये पलट जाता, नीचे गिर जाता। इसको क्या बोलते हैं? टॉपलिंग। आप कहोगे सर रोलिंग? नहीं, ये रोल नहीं करेगा टायर की तरह, ये सिर्फ पलट के गिर जाएगा। दिस इज टॉपलिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? गिवन अ ब्लॉक, गिवन अ फोर्स, मैंने फोर्स लगाई इस तरफ, बताओ ये पहले टॉपल करेगा या पहले स्लाइड करेगा? ये कैसा आंसर दिया तुमने यार? स्लाइड। फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है, वो स्लाइडिंग नहीं हो रही तो वो पलटेगा ही ऑब्वियसली। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो फिर टॉपिक खत्म कर दिया आपने तो। तो ये जरूरी नहीं है कि स्लाइडिंग है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा कर दी आपने तो ये टॉपल करेगा, और अगर थोड़ी कम कर दी तो स्लाइडिंग करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये स्लाइडिंग करे और फिर फ्रिक्शन बढ़ती जाए और फिर बीच में ये टॉपल कर दे। तो लेकिन ये सारी गेम फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि गिवन अ बॉडी एफ फोर्सेस अप्लाइड, यू हैव टू टेल कि पहले ये बॉडी स्लाइड करेगी या ये टॉपल करेगी। दो केस करेंगे हम। पहला केस, जब बॉडी को हॉरिजॉन्टली हम पुल करेंगे ग्राउंड के ऊपर, ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो बताना होगा ये टॉपल या स्लाइड करेगी। एक दूसरा केस इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये बॉडी को रख दिया, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है, एक सिलेंडर पड़ा था, आप नीचे खड़े थे और कोई इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ा रहा है। अब ये सोच रहे हो कि मेरे ऊपर वो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा या फिर ये उलट के नीचे गिर जाएगा। यानी कि डिपेंड, फ्रिक्शन भी डिपेंड करेगा क्या, कि हो सकता है ये बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आनी स्टार्ट हो जाए या फिर हो सकता है ये टॉपल कर जाए। तो दो केस करेंगे, एक टॉपलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। स्कूल के लिए टॉपिक बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं आएगा ये टॉपिक, किसी भी अच्छे कंपटीशन में आएगा, मेंस में, नीट में या एडवांस में। एडवांस में तो बहुत प्रोबेबिलिटी है टॉपलिंग की, ठीक, मेंस में भी आ जाते हैं छोटे और नीट में भी आते हैं, आ सकते हैं। देखो सबसे पहले टॉपलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस करेंगे, टॉपलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ध्यान से सुनना है, लेट अस सपोज ये ग्राउंड है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक की डायमेंशंस कुछ ऐसे गिवन है कि ये लेंथ L है, और लेट अस सपोज मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, कितनी? F, एट अ डिस्टेंस ऑफ H, और ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है? B, और फ्रिक्शन F, वेट इसका कितना है? Mg, और नॉर्मल रिएक्शन जो होना चाहिए, अभी आपने कुछ फिगर को चेंज नहीं करना, नॉर्मल रिएक्शन जो होना चाहिए वो यहां होना चाहिए, पर आप चेक कर सकते हो मैंने नॉर्मल रिएक्शन यहां ना ड्रॉ करते हुए कहां ड्रॉ की है, कहीं यहां ड्रॉ की है, एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना? ए। ये क्यों किया है अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा 2 मिनट बाद, पर अभी के लिए यही केस लें। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये बॉडी स्लाइड कर रही है, बिल्कुल भी टॉपल नहीं किया इसने, बस स्लाइड करते हुए आगे जा रही है, तो कौन इसको स्लाइड करवा रहा है? एफ। ये लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, एफ फोर्स है, फ्रिक्शन कहां करेगी?
पीछे की तरफ, वेट कहां ऐड करेगा, नीचे, और नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक। अगर ये बॉडी टॉपल करवाना चाहते हो, अब टॉपलिंग कैसे होती है, ये एक बॉडी है, ये सरफेस है, फोर्स लगाई, फ्रिक्शन ज्यादा थी, तो टॉपलिंग के केस में ये बॉडी यहां से उठनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे स्लो मोशन में देखो, उठेगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये टॉपल कर जाएगी। टॉपलिंग समझते हो ना, यही हुआ ना टॉपलिंग। तो टॉपलिंग का मतलब है कि इसका पूरा हिस्सा हवा में आ जाना, सिर्फ कॉर्नर वाला हिस्सा ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में रहेगा, राइट। तो मैं स्लो मोशन में अगर इसे उठाऊं तो इसका जो बेस है ये कुछ ऐसे हो जाएगा, चेक करो, हवा में ऐसे, इसके साथ तो कॉन्टेक्ट में रहेगा लेकिन ये चीज हवा में उठ गई ऊपर, है तो फास्ट मूविंग, मैं स्लो समझाना चाहता हूं। फास्ट मूविंग का मतलब पहले स्लाइडिंग कर रही है, गेम खत्म हो गई, क्वेश्चन यही आना है, स्लाइडिंग करेगी कि या फिर टॉपल? नहीं, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बॉडी रेस्ट पे है, फास्ट मूविंग बॉडी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्वेश्चन रेस्ट पे है, आपने फोर्स को इंक्रीज करना है, 1 न्यूटन 2 3 4 5 6, आपको यह बताना है कि एक ऐसी वैल्यू आएगी जब या तो पहले स्लाइडिंग होगी या टॉपलिंग, ये बताना है कि क्या होगा। चलती हुई बॉडी कुछ नहीं है, चलती हुई बॉडी का रोलिंग का केस है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, वो अभी कंफ्यूज नहीं करना। बॉडी चल नहीं रही, बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट, और आपने फोर्स लगानी शुरू की, इंक्रीज करनी, 1 2 3 4 5 6, देखो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, समझ में आ रहा है यहां तक? तो रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी है। अब ये ना होती अगर स्लाइडिंग, तो बॉडी एक एंड से ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाती, जैसी बॉडी ऊपर उठेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है, ग्राउंड। अब ग्राउंड तो इसके कॉन्टेक्ट में यहां से रहा ही नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन राइट 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 शिफ्ट होता जाएगा और अल्टीमेटली कहां पर आ जाएगा, बी पे आ जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर नॉर्मल रिएक्शन का डिस्टेंस यहां से ए है, तो ए की वैल्यू जैसे जैसे टॉपलिंग की कंडीशन मीट करती जाएगी, ए कम 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 होता जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन अल्टीमेटली ए जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा, तो टॉपलिंग की पहली कंडीशन, जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से उठ के यहां नहीं आ जाता टॉपलिंग नहीं हो सकती। टॉपलिंग तब होगी ना जब पूरी बॉडी पीछे से उठ जाएगी, अगर कुछ हिस्सा नीचे रह गया तो टॉपल कैसे हो सकती है, फिर तो नीचे रह गया। कुछ नहीं बोल रहा मैक्सिमम हाइट से, बस नॉर्मल रिएक्शन बी पर आएगा, बस इसमें समझने का कुछ है ही नहीं। सब स्लाइडिंग आगे बोल देना पहले हो गई, फिर भी बात होगी यार, यही तो, या तो बॉडी स्लिप होगी या टॉपल करेगी, टॉपल नहीं करेगी तो स्लिप आंसर हो गया, कुछ तो करेगी बस, ठीक है ना। देख नॉर्मल रिएक्शन यहां पर था, ये बॉडी जब हवा में उठेगी ग्राउंड से कॉन्टेक्ट छूटता जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां, ग्राउंड तो यही रह गया ना कोने में, तो नॉर्मल रिएक्शन कोने में नहीं आ गया, बस यहां पे तो कोने में आ गया। अब ठीक है, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये समझ में आ रहा है यहां तक कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जब कॉर्नर में आ जाएगी, बिल्कुल थी तो पहले यहां पर, लेकिन जैसे जैसे बॉडी का पीछे वाला हिस्सा उठता गया नॉर्मल रिएक्शन यहां या ग्राउंड का कॉन्टेक्ट यहां पर है, अल्टीमेटली यहां पर आ गया, अब टॉपलिंग स्टार्ट होगी। कोई डाउट इसमें? अब टॉपलिंग होगी या टॉपलिंग नहीं होगी, ये बॉडी पूरी तरह घूम जाएगी, अभी तो एक एंड उठा है उसका, अब क्या पता इसके आगे वो ना जाए, कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे डिसाइड करेंगे, ये बताओ कि अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या माना जाएगा इसका, बी। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा इसका, बी, क्योंकि बाकी तो पूरी बॉडी बी के अबाउट घूम रही है, बी के अबाउट बॉडी घूम रही है, क्यों घूम रही है, घूमने का मतलब टॉर्क जनरेट हुआ, किसने किया टॉर्क जनरेट, एफ ने, कितना किया, एफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एफ इंटू एच टॉर्क जनरेट हुआ, और किस डायरेक्शन में हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, बॉडी को कैसे घुमा रहा है ये टॉर्क, क्लॉकवाइज, ठीक। वेट की बात करें, वेट जो है वो कहां एक्ट कर रहा है, इसके सेंटर पे, और वेट का डिस्टेंस यहां से कितना होगा, एल बाई टू, तो वेट भी तो टॉर्क जनरेट करेगा, कैसे, ये इसका एक्सिस है, तो वेट का, वेट इज अ फोर्स, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू, तो एम जी इंटू एल बाई टू, और ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, एन टी,
क्लॉकवाइज, क्योंकि वेट चाहता है कि बॉडी नीचे गिर जाए, ये फोर्स चाहती है बॉडी आगे घूम जाए। तो फोर्स चाहती है ये क्लॉकवाइज घूम जाए, वेट चाहता है कि ये नीचे आ जाए। तभी तो भारी बॉडीज को टॉपल करना कितना मुश्किल है। देखो मेरे से टॉपल नहीं हो रही है लेक्चर स्टैंड, वो तो फ्रिक्शन नहीं है, वैसे भी नहीं हो रही मेरे से। क्यों? क्योंकि इस केस में इसका वेट बहुत ज्यादा है, मेरी फोर्स कम है, और एक्सिस क्या होगा, ये वाला कोने वाला पॉइंट। तो उस केस में अगर मैं यहां फोर्स लगाऊंगा, अगर मेरी फोर्स ज्यादा हुई तो क्लॉकवाइज टॉर्क बड़ा हो गया, और अगर वेट ज्यादा हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉपलिंग की कंडीशन क्या बनेगी? टॉपलिंग की कंडीशन ये बनेगी, अगर ये टॉर्क इसके इक्वल या इससे बड़ा हो गया फिर तो ये क्लॉकवाइज घूम गई, टॉपल हो गई, और अगर ये बड़ा हो गया टॉर्क फिर टॉपलिंग नहीं हो सकती, फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा ग्राउंड पे, ये उठेगा भी नहीं। समझ में आया यहां तक कि कैसे चेक करने वाले हैं टॉपलिंग होगी कि नहीं होगी? टॉपलिंग चेक होगी टॉर्क से, एक क्लॉकवाइज टॉर्क और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक। अब कोई कहेगा कि सर ये बताओ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां गई, इसका टॉर्क क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा? क्यों जीरो? क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ एक्शन कहां रह गया? अब बी पे। बॉडी जब ऊपर उठ गई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो बिल्कुल कॉर्नर पे लगेगी, जहां बॉडी कॉन्टैक्ट में पॉइंट पे, और यही इसका एक्सिस है। और अगर फोर्स एक्सिस पे एक्ट करती है तो टॉर्क जनरेट नहीं होता, पॉइंट ऑफ रोटेशन पे फोर्स एक्ट कर रही है एफ, टॉर्क जनरेट नहीं करेगी। और नॉर्मल रिएक्शन कितना टॉर्क जनरेट करेगा? जीरो, क्योंकि वो भी तो बी पॉइंट के एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ना तो नॉर्मल रिएक्शन कोई टॉर्क जनरेट करने वाला है, ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बचा कौन? वेट और एफ। क्या ये फोर्सेस एंड टॉर्क समझ में आ गए? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का एप्लीकेशन है ये, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अच्छा अब ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बस इतना ही है टॉपलिंग, आगे तो मैथमेटिकल पोर्शन दो मिनट का है। जैसे हम एक काम करते हैं, हम ना स्लाइडिंग की केस, अब उसके ऊपर बाद में आऊंगा मैं, वो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो समझ में आ गया। ये बताओ कि अगर बॉडी सिर्फ स्लाइड करती है, ओनली स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के केस में एफ जो आप अप्लाई करोगे, मैं इसका नाम रखता हूं एफ स्लाइडिंग, तो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर बॉडी टू बी इन स्लाइडिंग। कि बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दी, कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड है। तो एफ की वैल्यू मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो वन टू थ्री, कभी ना कभी इतनी हो जाएगी जब बॉडी क्या स्टार्ट कर देगी? स्लाइडिंग। और स्लाइडिंग की कंडीशन क्या होगी? आगे की फोर्स इज इक्वल टू पीछे की फोर्स, और पीछे की फोर्स क्या है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। क्या पॉइंट क्लियर है? तो अगर अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए तो एटलीस्ट स्लाइडिंग का केस तो बनता ही है। हाँ, इससे बड़ी हो जाए तो एक्सेलेरेशन भी हो जाएगी, कम से कम इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी क्या करेगी? स्लाइड करेगी। कोई डाउट इसमें? ठीक नहीं? ठीक, ठीक है। कई लोगों के एक फेस एक्सप्रेशन सही नहीं बन रहे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि फोर्स ऑफ, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है, और मेरी फोर्स ऑपोजिट फोर्स के बराबर है, तो इसका मतलब दो केस होते हैं, या तो बॉडी चल नहीं रही, या चल रही है तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो आपको याद होगा लॉज ऑफ मोशन में करते थे बॉडी जस्ट एबल टू मूव, वो जस्ट एबल टू मूव की कंडीशन क्या होती थी? आगे की फोर्स इज इक्वल टू पीछे की, तो वही तो हमने तो हिलाना ही है उसे, उसी को तो स्लाइडिंग बोलते हैं, हमने वो एक्सलेट थोड़ा करवाना है। ठीक, तो बॉडी जस्ट एबल टू मूव का मतलब ये स्लाइडिंग है, तो स्लाइडिंग की कम से कम इतनी फोर्स है, तो स्लाइडिंग की फोर्स एफ ऑफ स्लाइडिंग विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं, या यहीं पर ऐसे रख लें, एक ही बात है। ये समझ में आ रहा है कि स्लाइडिंग की कंडीशन क्या बनेगी? स्लाइडिंग के केस में प्लीज इसको ऊपर नहीं उठाना, ये नीचे ही है। ओ सॉरी, एम जी कॉस थीटा नहीं, एम जी, एम जी, एम सॉरी, एम जी म्यू टाइम्स एम जी, ठीक है, वो तो इंक्लाइन प्लेन है ही नहीं है तो सॉरी। तो म्यू टाइम्स कितना? एम जी। यहां तक क्लियर है? कम से कम स्लाइडिंग की फोर्स समझ में आ गई कितनी होनी चाहिए? म्यू टाइम्स एम जी। तो इस केस को क्लोज करते हैं। अब बात करते हैं टॉपलिंग की। अब टॉपलिंग के केस में जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी एफ, वो स्लाइडिंग से डिफरेंट होगी। मतलब एफ टॉपल इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड ताकि बॉडी क्या करे? टॉपल हो जाए। अब आप कहोगे कि ये फोर्स एफ, इसमें एफ और एफ क्यों नहीं पुट किया? मैं एग्जांपल के समझाता हूं। आपके पास एक ब्लॉक है और मैंने आपको ये आंसर बता दिया कि अगर आप 4 न्यूटन की फोर्स लगाते हो तो बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगी,
और कम से कम 6 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी बॉडी को क्या करने के लिए, टॉपल। कई बार हम फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो बॉडी पलट जाती है, टॉर्क ज्यादा हो जाएगा ना क्लॉकवाइज, चाहे फ्रिक्शन कम होगी तो भी टॉर्क कैन बी जनरेटेड। तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लो 4 न्यूटन की फोर्स है कम से कम, तो बॉडी क्या करती है, लेट अस सपोज स्लाइड। और अगर 6 न्यूटन की फोर्स अगर आप देते हो तो बॉडी क्या करती है, टॉपल। फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, फोर्स बढ़ानी शुरू करो, 0, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। किसकी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो गई, स्लाइडिंग की, तो बॉडी पहले क्या करेगी, अभी डिपेंड करेगा कि मिनिमम फोर्स कितनी है। और मिनिमम फोर्स टॉपलिंग की और स्लाइडिंग की सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एट अ टाइम बॉडी या तो स्लाइड करेगी या फिर, तो 4 और 6 सेम कैसे हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों में ये वैल्यूज को डिफर किया। तो टॉपलिंग का टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू एच, अभी डिस्कस किया आपने क्लॉकवाइज, यही था क्लॉकवाइज। और मैंने बताया टॉपल करने के लिए दिस टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, ठीक। अगर मैं बोलूं कम से कम, कम से कम केस में ये क्या होगा, इक्वल टू होगा, कम से कम इक्वल टू तो हो, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टॉपलिंग, कम से कम की बात हो रही है। तो इट मींस एफ टॉपल किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी इंटू एल बाय टू एच, ठीक। अभी डिस्कस करते हैं, अलग अलग आंसर निकाल लिया, ओके। अब देखो, अब इस केस में आप ये बोल नहीं सकते कि बड़ा होगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एच और एल के डायमेंशन है, कुछ नहीं कह सकते। देखो, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर बॉडी की स्लाइडिंग की कंडीशन, जैसे स्लाइडिंग की फोर्स रिक्वायर्ड 4 न्यूटन है और टॉपलिंग की 6 है, और आपने फोर्स को बढ़ाना शुरू किया और पहले 4 न्यूटन फोर्स आ गई, तो बॉडी पहले क्या करेगी, स्लाइड। इसका मतलब अगर मैं ये आपको दूं कि बॉडी में स्लाइड करवाना चाहता हूं पहले, स्लाइड फर्स्ट, अ बॉडी शुड स्लाइड फर्स्ट, तो फोर्स ऑफ जो कम से कम फोर्स स्लाइडिंग की है वो टॉपलिंग की फोर्स से क्या होनी चाहिए, कम। नहीं समझ आया, फिर देखो, जैसे फोर्स ऑफ स्लाइडिंग 4 न्यूटन है और फोर्स ऑफ टॉपलिंग 6 न्यूटन है, और मैंने एफ को बढ़ाना शुरू किया, एफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो पहले कौन सी वैल्यू अचीव होगी, 4 की 6 4 4 वाली, तो यानी कि पहले बॉडी की क्या होगी, स्लाइडिंग। तो जिसकी फोर्स छोटी होगी वो कंडीशन पहले सेटिस्फाई होगी, अगर स्लाइडिंग की फोर्स छोटी है टॉपलिंग से तो पहले स्लाइडिंग होगी, और अगर टॉपलिंग की फोर्स छोटी है, जैसे मान लो 4 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है टॉपलिंग के लिए और 6 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है स्लाइडिंग के लिए, तो जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे और 4 न्यूटन अचीव होगा तो टॉपलिंग हो जाएगी उस केस में। ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि छोटी वाली फोर्स किसकी है। तो अगर मान लो मैं एग्जांपल बनाता हूं कि जिसमें 4 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है फॉर टॉपलिंग और 6 न्यूटन की फोर्स है फॉर स्लाइडिंग, और जैसे ही आप फोर्स को अप्लाई करते हो और पहले 4 न्यूटन आ जाती है, तो बॉडी पहले क्या करेगी, अब टॉपल। यानी कि दोनों फोर्सेज में से जिसकी फोर्स पहले आएगी, छोटी होगी, वो पहले आएगी, तो बॉडी क्या करेगी, पहले स्लाइड। तो ये कंडीशन होगी फॉर स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग की मिनिमम फोर्स कितनी है, म्यू टाइम्स एम जी, टॉपलिंग की कितनी है, एम जी इंटू कितना, एल डिवाइडेड बाय 2h, ये कैंसल। तो कंडीशन आ गई कि अगर म्यू लेस देन एल बाय 2h है तो बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट, एंड इफ म्यू ग्रेटर देन एल बाय 2h है तो बॉडी विल टॉपल फर्स्ट। ये फॉर्मूला है, याद कर सकते हो, फॉर्मूला याद कर लो, मेरे को तो याद नहीं, तो मैं तो इस तरीके से बनाऊंगा ही किसी एग्जामिनेशन में, पर अदरवाइज अगर याद कर सकते हो सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास कि स्लाइडिंग का ये फॉर्मूला, टॉपलिंग का ये फॉर्मूला। बोल, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, डायमेंशन बॉडी की, डायमेंशन एल और एच पे भी डिपेंड करेगा। ऊंची बॉडी है, बहुत ऊंची बॉडी है, पतली है, इतनी लंबी बॉडी, ये क्या नाम है, कैमरे का ट्राइपॉड स्टैंड है, लो टॉपलिंग करवानी है, धक्का मारूंगा एक उंगली से, देखो टॉपल करेगा, डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है ना। और इसी को अगर आप, अगर आप कोई बॉक्स रखते हो नीचे, मैं लगाऊंगा तो देखो स्लाइड करेगा,
समझ में आ रहा है? तो डायमेंशन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है यहां तक? गुड डाउट इसमें? अब इसमें एक एग्जांपल गिवन होगा, चेक करो क्या एग्जांपल है कि पेज नंबर 2 पे जो इसमें एक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर ये मास कितना है एम, ये फोर्स कितनी है एफ, ये हाइट कितनी है एच और ये कितना है ए और दिस इज कैपिटल ए. तो क्वेश्चन है व्हेन ब्लॉक टॉपल्स अबाउट ए नॉर्मल फोर्स पासिस थ्रू. अगर कोई ब्लॉक टॉपल करता है तो नॉर्मल फोर्स कहां से एक्ट करेगी? ए से. ऑब्वियसली टॉपलिंग के केस में नॉर्मल रिएक्शन यहां से नहीं पास करेगा. आंसर ए. ठीक, नेक्स्ट है. हाँ बस एक्सिस पूछ रहे कि कहां से पास कर रहे हैं. नेक्स्ट है एग्जाम्पल है देयर इज अ क्यूब. एक क्यूब की साइड ए है, ए है एंड म्यू की वैल्यू 0.2 है. बॉडी बताओ पहले स्लाइड करेगी कि टॉपल करेगी? फॉर्मूला पता है स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है, म्यू लेस देन एल बाय 2h. अब आपको म्यू कितना गिवन है 0.2, लेकिन बॉडी के डायमेंशन से यह पता लगता है कि h और l तो सेम है तो म्यू क्या आएगा लेस देन 0.5. तो स्लाइडिंग की कंडीशन पता लग जाती है कि अगर म्यू 0.5 से कम है तो बॉडी क्या करेगी स्लाइड, और आपका म्यू कितना है 0.2, इसका मतलब पक्का बॉडी क्या करेगी स्लाइड. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू क्या गिवन होती 0.6 तो उस केस में आपकी स्लाइडिंग 0.5 से कम है लेकिन आपका म्यू कितना है 0.6 तो बॉडी क्या करेगी टॉपलिंग. ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है? और लास्ट केस है टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन. बिल्कुल सेम एक लाइन का केस है इसमें क्योंकि यही मेन था. देखो थीटा, दिस डायमेंशन इज एच, दिस डायमेंशन इज एल. ठीक, आप थीटा को बढ़ाते 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 जा रहे हो. पहले टॉपलिंग की कंडीशन सुन लो. या तो ये बॉडी स्लाइड करेगी नीचे, स्लाइडिंग का केस तो हमने लॉज ऑफ मोशन में किया हुआ है. टॉपल की कंडीशन ये बनती है जब ये बॉडी का ये वाला हिस्सा ऊपर 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 उठना स्टार्ट हो जाएगा और इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगी ऑब्वियसली, तब ये टॉपल करेगी. रूल नंबर 1, नॉर्मल रिएक्शन यहीं से पास करना जरूरी है क्योंकि यही पॉइंट कॉन्टैक्ट में रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन यहीं पर है. तो वैसे नॉर्मल रिएक्शन बीच में से पास कर रहा था लेकिन जैसे जैसे बॉडी ऊपर ऊपर उठती जा रही है नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता हुआ कहां से पास करेगा अल्टीमेटली ए से. तो जैसे वो ए के ऊपर आएगा तो उस केस में आप क्या बोलोगे क्या होगी टॉपलिंग. दूसरी कंडीशन, जो वेट का वेक्टर है, वेट का वेट क्योंकि जैसे बॉडी ऊपर जा रही है वेट का वेक्टर इधर शिफ्ट होता जाएगा तो वेट का जो वेक्टर है वो कहां से पास करना चाहिए एग्जैक्टली इसके इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से. ये डायमेंशन सही नहीं बना, थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से. तो जो वेट है रहेगा तो सेंटर पे ही ना, तो जो वेट है वो सेंटर पे है एंड सच दैट ये एल है. तो वेट जो है उसका वेक्टर जब कहां से पास करेगा एग्जैक्टली ए पॉइंट में से और नॉर्मल रिएक्शन भी ए से पास करेगा तो इसका मतलब क्या होने वाली है टॉपलिंग. तो अगर वेट का देखो वेट का वेक्टर तो यहीं पर है, बॉडी चेंज होती जा रही है तो जैसे ही वो ए पॉइंट को कंसाइड करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ए पॉइंट पर आ जाएगा तो टॉपलिंग यहां पे स्टार्ट होगी. ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं. ठीक, तो ऐसा होता है. क्लियर यहां तक? तो ये टॉपलिंग की कंडीशन याद रखनी है और इसमें ये भी याद रखना है जैसे ये डायग्राम बनेगा इस तरीके का तो उस डायग्राम में ये हाइट कितनी हो जाएगी एच बाय 2 और ये लेंथ कितनी हो जाएगी एल बाय 2 और ये अगर थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, वही वेट के दो कंपोनेंट है तो थीटा और थीटा सेम हो जाता है ये. ठीक, तो ये यहां से ज्योमेट्री निकलेगी थीटा की. ये एल है तो आधा एल बाय 2, मिड पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ मास है. ठीक है यहां तक? और यहां से आप चेक कर सकते हो टैन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, एल बाय 2 डिवाइडेड बाय एच बाय 2. तो टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एल डिवाइडेड बाय एच. ठीक, मैं इसको समझाता हूं और थोड़ा डिटेल में. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना. स्लाइडिंग का केस से शुरू करेंगे पहले. जब बॉडी स्लाइड करती है तो मान लो दिस इज द मिनिमम एंगल,
जब बॉडी क्या करेगी, स्लाइड, ठीक है। आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो एक ऐसा एंगल आएगा जब बॉडी क्या स्टार्ट करेगी, स्लाइडिंग। तो जैसे ही बॉडी स्लाइडिंग स्टार्ट करेगी तो एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा कहां एक्ट करेगा, नीचे, और पीछे क्या एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो लॉज ऑफ मोशन है, कोई बता सकता है कि लॉज ऑफ मोशन में इस एंगल को क्या बोलते थे, एंगल ऑफ रिपोज, मिनिमम एंगल जब बॉडी क्या करती है, स्टार्ट स्लाइडिंग, जस्ट एबल टू मूव। तो ऐसे केस में, स्लाइडिंग के केस में, एम जी साइन थीटा और दिस थीटा स्लाइडिंग इज द मिनिमम एंगल जब क्या स्टार्ट होगी, स्लाइडिंग। दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा, ठीक। तो यहां से एम जी क्या हो गया, कैंसल, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास टेन ऑफ थीटा स्लाइडिंग मस्ट बी इक्वल टू कितना, म्यू। तो ये केस हो गया खत्म, ठीक। ये तो वही पुराना केस है। तो स्लाइडिंग की कंडीशन तो मैं पता लग गई कि ये स्लाइडिंग की कंडीशन है। टॉपलिंग की देख लें, टॉपलिंग की कंडीशन देखो, टॉपलिंग की कंडीशन में क्या बताया मैंने, वेट यहां से पास करेगा, नॉर्मल रिएक्शन यहां से, ये ज्योमेट्री बनेगी। अगर ये ज्योमेट्री बन जाती है, इसका मतलब टॉपलिंग हो गई। तो लेट अस सपोज दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जब क्या स्टार्ट होती है, टॉपलिंग। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा टॉपल, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा टॉपल, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा टॉपल। तो आपके पास टॉपलिंग का एंगल आपके पास आ गया। दिस इज द कंडीशन जब क्या होगी, टॉपलिंग। हाँ, ये तभी होगी टॉपलिंग, नहीं तो होगी नहीं, यही होगी। हाँ, ये मिनिमम एंगल है कि जब क्या स्टार्ट होगी, जब बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, पहली क्या कर जाएगी, टॉपल कर जाएगी, पलट ही जाएगी सीधा, ठीक है। यहां तक कंडीशन पता लगी आपको। अच्छा, फिर वही सेम एक्सपेरिमेंट, मान लो मैं ये बोलता हूं कि थीटा 30 डिग्री पे स्लाइडिंग होती है और 60 डिग्री कम से कम एंगल है जब क्या होती है, टॉपलिंग, ठीक है। हम एंगल बढ़ाना शुरू करें इंक्लाइन प्लेन का, पहले कौन सा एंगल आएगा, 30 की 60, 30, तो पहले बॉडी क्या करेगी, स्लाइडिंग। लेकिन अगर मान लो उल्टी कंडीशन लगा देते हैं कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे मान लो टॉपलिंग होती है और 45 डिग्री पे स्लाइडिंग, तो पहले क्या होगी, अब टॉपलिंग। तो जिसका एंगल छोटा होगा वही कंडीशन पहले सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब फॉर बॉडी टू स्लाइड फर्स्ट, अगर आप चाहते हो कि बॉडी पहले क्या करे, स्लाइड करे, तो स्लाइडिंग का जो मिनिमम एंगल है वो टॉपलिंग के मिनिमम एंगल से क्या होना चाहिए, छोटा। क्योंकि जो एंगल छोटा होगा पहले वही सेटिस्फाई होगा। व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो पहले थीटा स्लाइडिंग छोटा है तो पहले स्लाइडिंग हो जाएगी। या फिर दोनों तरफ अगर टैन लगाते हैं तो आपके पास टैन ऑफ थीटा टॉपल, ये कंडीशन आ जाएगी, और टैन ऑफ थीटा स्लाइडिंग कितना है, म्यू, टैन ऑफ थीटा टॉपल कितना है, एल बाय, कंडीशन आ गई, किसकी कंडीशन आ गई, बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट, और रोल के लिए क्या होगा, म्यू ग्रेटर देन एल बाय एच, तब ये टॉपल हो जाएगा। होगा, पर हमें तो स्टार्टिंग पोजीशन में बताना है पहले क्या हुआ, बस हमारा क्वेश्चन इसके बाद का नहीं होगा। हो सकता है, तो फिर हमने तो बताना है टॉपल फर्स्ट या स्लाइड, उसके बाद क्या हुआ, जो मर्जी करे, हमें क्या, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमें पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको इसमें लास्ट पेज पे एक एग्जाम्पल गिवन है जो बहुत बार आता है, कि मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एक क्यूब है। अब जब हम क्यूब बोल रहे हैं तो ये ए है और ये भी कितना है, ए है, और यहाँ पर फ्रिक्शन है और ये म्यू है और ये थीटा है। क्वेश्चन है, अगर मैंने इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ाया, ठीक, द क्यूब विल स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, कह रहे बताओ म्यू की क्या वैल्यू हो कि बॉडी पहले क्या करे, स्लाइड फर्स्ट करे। स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है, म्यू लेस देन एल बाय एच, लेकिन यहां पर एल और एच तो दोनों सेम है, तो म्यू लेस देन, तो म्यू लेस देन वन पर स्लाइडिंग फर्स्ट होगी। न्यूमेरिकल तो बस इतना ही आएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट बड़ा है, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं। अगर आपको ये चार फॉर्मूले याद है ना, ये वाले, आपका टॉपलिंग का क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला यूज करना है अल्टीमेटली। वो तो प्रूफ तो सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, कि फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आया। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूलास कैसे लग रहे हैं।